नमस्कार। पंछी फूल में गाते हैं, भौरे गुनगुनाते हैं, झुनझुनी बजाती है ये हवा। दोस्तों, अपने घर पर नहीं होंगे, प्रकृति से प्रेम को ये गीत जो है दर्शाता है। आज हम आज आपसे ये बात करना चाह रहे हैं कि जो हमारे जो पक्षी है वो हमारे नेचर के लिए कितनी जरूरी है। दोस्तों, अभी बर्ड फीडिंग मंथ चल रहा है और इस बीच हमारे शहर के कुछ लोग ऐसे हैं जो पंछियों को सहेजने के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनकी काउंटिंग कर रहे हैं। काउंटिंग इन द सेंस, एक अमेरिकन में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ई बर्ड नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए यूनिवर्सल स्तर पर पक्षियों की प्रजातियां, उनकी देख रेख की चीजों को वो हर देश में जो है जो बर्ड प्रेमी है, जो बर्ड लवर है, वो उसमें पोस्ट करते हैं। इसी कड़ी में हमारे जो शहर के बर्ड लवर मोहित साहू जी हैं, राहुल सिंह जी हैं, इन्होंने अपने युवाओं के ग्रुप के साथ दोनों जो है शहर के खास खास इलाकों में जैसे कि महंत गांधीदास संग्रहालय परिसर, IIT, IIM और RKC, यहाँ पे इन्होंने दौरा किया और पाया कि किस यहाँ किस किस तरह के जो पक्षी जो है आ रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। मोहित जी ने एक बहुत बड़ी चिंता जताई है कि शहर में शहरीकरण के चलते ये जरूर है कि बाहरी पक्षियों का आना बहुत कम हुआ है। बावजूद शहर कई ऐसे स्थान है जहाँ पे अच्छा एक एटमोसफियर दिया जा सकता है, जैसे कि महंत गांधीदास परिसर में बहुत ही लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ है। मोहित जी ने बताया कि वहां पे एक काफी अलग टाइप के पक्षी उन्होंने देखा, वहां पे बाहर बाहर से भी पक्षी वहां पे गुजरने और अट्रैक्ट हो रहे हैं उस पेड़ में। आईएम में जो आईआईटी में जो 1.5 एकड़ की जमीन है वहां पे, तो वो खुला स्थान है बहुत ज्यादा, तो वहां भी जो चिड़ियों का आना है वो बहुत ही अलग टाइप का। मोहित जी बताया कि हम माने तो जो आईआईटी है वहां पे जो मैदान है घास का मैदान, वो आज प्रबंधन ने वहां पे घास को कटवाया नहीं है, तो एक नेचुरल उनको एक स्पेस मिल रहा है चिड़िया को वहां आने का, तो इसे वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। 3 दिन एक इनका अभियान था, काउंटिंग का जो अभियान था वो 3 दिन चला है और न सिर्फ रायपुर बल्कि वो आसपास के दूर दराज के भी जिलों में वो लोग गए हैं और देखे हैं कि वे चिड़ियों की क्या स्थिति है और उनका आना कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है। हमने उनसे डिटेल से बात उनसे बात भी उनसे पूछा भी कि भाई अपने क्या चेंजेस। मोहित की बातें एक और बात कही हमसे कि भाई जब तेली बांधा है जिसको अभी मरीन ड्राइव के नाम से हम जानते हैं, उनका कहना है एक जमाने में वहाँ काफी पक्षी आया करते थे, लेकिन जब से वहाँ पे सौंदर्यीकरण हुआ है, ये ठीक है कि उसकी बहुत बहुत नाम है मरीन ड्राइव का और बहुत उसको फेमस किया गया है, लेकिन उनका कहना ये है कि भाई सौंदर्यीकरण के चलते वहां पे चिड़ियों का आना पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गया है। तो एक उनका एक मिशन चल रहा है इनके इन ग्रुप का, तो जगह जगह ये जा रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह कैसे फीडिंग बढ़ाई जाए, कैसे पक्षियों का आना जाना बढ़ाया जाए। तो एक अपने तरह का एक नया काम है, लोग इस तरह इतना लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो जाकर हर जगह जाकर काउंटिंग करें और उस मंथन करें कि चिड़ियों को कैसे सहेजा जाए, कैसे आबो हवा कहाँ की किस तरह की है। तो एक ये जो टीम उनकी है एक नया 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 कुछ कार्यक्रम काम कर रही है, तो हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार।